ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनियां नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत। ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश होती है इस चैनल के ज़रिए कनाडा स्टडी वीज़ा को लेके आपको हर लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट से जुड़ते रहना। सो जिस तरह के ट्रेंड सितंबर में रहे, मई में रहे, इवन जनवरी में रहे, और अब जो आने वाला जनवरी है उसे लेके अभी से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस बहुत सारे एजेंट्स अभी भी बच्चों में रख रहे हैं, उनके और बच्चों के भी कुछ हद तक ये वहम है, ये गलतफहमी है कि ये एक काला दौर था, अब कनाडा आगे रिलैक्स हो सकता है। कनाडा ने जितना रिलैक्स होना था दोस्तों वो हो चुका है, आगे इसके रिलैक्स होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और ख़ास करके आपके कुछ खास पॉइंट्स को लेके। सबसे पहला पॉइंट है, सबसे बड़ी चीज़ जो कनाडा में बन चुकी है, दैट इज़ एकेडमिक। अगर आपका एकेडमिक स्ट्रॉन्ग नहीं है देन डेफिनेटली देर इज़ नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग टू कनाडा एट प्रेजेंट मोमेंट। मार्जिनल है, 50-50 सिचुएशन में है, 60 के आसपास के स्कोर हैं, ट्राई करना चाहते हैं कर सकते हैं, सक्सेस रेट के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगे। बिल्कुल वन साइडेड मार्क्स हैं, D1 D2 दो तीन सब्जेक्ट्स में लग चुका है, देन देर इज़ नो फन इन अप्लाइंग कनाडा। आप सिर्फ और सिर्फ अपना 4 महीने का समय और 1-1.5 लाख की वेस्टेज, क्योंकि फीसें डालेंगे वापस आएंगी, 6 महीने के लिए आप अपने आप को हरास करेंगे, इससे ज़्यादा कोई आउटकम उसमें से निकलने वाला नहीं है। एकेडमिक को लेके कनाडा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है और उसमें कोई भी रिलैक्सेशन दिखना मुश्किल है। सिमिलर फॉर ग्रेजुएट, जिनके 5-6-7 बैकलॉग्स हैं या जिनकी डिग्री एक्सटेंडेड हो चुकी है उनके लिए भी ये मुश्किल हो चुका है, और इसके साथ साथ मुश्किल हो चुका है आर्ट्स के जर्नल स्टूडेंट्स के लिए। 50% सक्सेस रेट है उनमें, 50% कहीं ना कहीं फंस जाते हैं क्योंकि उनको कोई भी रेलेवेंसी ऑफ कोर्स क्रिएट नहीं हो रहा, और अभी भी ये पंजाब के बच्चे, हरियाणा के बच्चे इन चीज़ों को समझने को रेडी नहीं है। वो कमेंट में लिख सकते हैं, बुरा कुछ भी लिख सकते हैं, मैं नेगेटिव कर रहा हूँ कुछ भी लिख सकते हैं, बट मेरी कोशिश ये है कि जो बच्चा अब 6 महीने कनाडा में फाइल प्रोसेस करके इंतज़ार करके अपने प्रोफाइल को डिस्टर्ब करेगा, अगर उसके लिए ऑस्ट्रेलिया आज की डेट में हो सकता है तो उसे करना चाहिए, अगर यूके हो सकता है तो करना चाहिए। और जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा लंबा गैप एक्सेप्ट नहीं करता, प्रेजेंटली 2021 और 2022 को लेगा, 2020 को नहीं ले रहा। अगर आप 21 हैं, आप कनाडा ट्राई करने जा रहे हैं, तो जब तक वापस आएंगे शायद 2021 को ऑस्ट्रेलिया लेना बंद कर देगा, फिर शायद आपके लिए ऑप्शन यूके ही बचेगा। इन चीज़ों को लेके स्ट्रेट वे लाइन बना लें, अगर आप एकेडमिकली गुड नहीं हैं तो कनाडा इज़ नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू नाउ टू अप्लाई, उसकी जगह बेटर है फिर यहाँ तो ग्रेजुएशन करें, अपनी एजुकेशन को अपडेट करें, चाहे यहाँ करें चाहे किसी और कंट्री यूके या ऑस्ट्रेलिया में जाके करें, और उसके बाद वहाँ पर अप्लाई करें, रैदर देन आप अपने पासपोर्ट्स पे रिजेक्शन लगाएं। ये एक मेरी सलाह है जो आप मान सकते हैं, अगर मानना चाहें, नहीं मानना चाहें आप कोशिश कर लें, उसके बाद मान जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। कनाडा का डिसीजन ऑफ पॉसिबिलिटीज़ कि वो दोबारा 55% पे वीज़ा देगा या 52% पे वीज़ा देगा, तो इसके चांसेस नामात्र हो चुके हैं, इसको नोट बना लें, और कनाडा की जनवरी इनटेक की फाइल्स को जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें, क्योंकि डेफरमेंट की सिचुएशन और डेट्स कॉलेजेस 1 महीना पहले देना शुरू कर देते हैं, सो ट्राई टू डू दैट। और सेकेंडली, जिन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई करना है मे इनटेक के लिए, मे इनटेक इज़ ओपन गाइस, सो अपना टाइम बिना वेस्ट किए कर लें, सीट्स बहुत कम हैं, और पंजाब हरियाणा स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को आजकल बहुत कम सीट्स दी जा रही हैं कंपैरेटिवली जितनी पहले होती थी, बिकॉज कहीं ना कहीं वो डाइवर्सिटी क्रिएट करना चाहते हैं, एक प्रेशर कॉलेजेस के ऊपर भी है जो वो शायद ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर सकते, चाहे वो सीटें खाली रख रहे हैं बट वो बहुत ज़्यादा सीट्स नॉर्थ इधर इंडिया में शायद ना दें, क्योंकि 34% to 40% स्टूडेंट इंडिया से ही जाता है और उसमें से बहुत बड़ा नंबर पंजाब और हरियाणा का होता है। सो कीपिंग इन दिस माइंड, अपने कॉलेजेस के लिए जल्दी अप्लाई कर लें, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ब्रॉडवे की सर्विसेज लेना चाहते हैं, अच्छे तरीके से अपनी फाइल लगाना चाहते हैं, सच जानना चाहते हैं कि आपके प्रोफाइल के ऊपर हम वीज़ा प्रोसेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते,
तो ब्रॉडवे की टीम से मिलें, बिकॉज हमारी इंस्ट्रक्शन और मेरी इंस्ट्रक्शन मेरी टीम को वेरी क्लियर है कि ये केस लेना है, ये केस नहीं लेना। सो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम कहीं पर भी आपके केस के ऊपर लॉटरियाँ डालने का काम नहीं करते। अगर आपके प्रोफाइल में वीज़ा आना होगा तभी ब्रॉडवे उस केस को लेगी, नहीं तो नहीं लेगी। सो ब्रॉडवे की टीम्स अलग अलग शहरों में हैं, आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा में, न्यू दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस एंड गुजरात अहमदाबाद में हमारी टीम से मिलके अपने प्रोफाइल्स के लिए डिटेल डिस्कशन करके अपना फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव तय कर सकते हैं। अप्लाई चाहे आप कहीं और से भी करना चाहें निश्चिंत होकर करें, लेकिन इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ हमेशा जुड़े रहें। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान।